टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें एटम बम कैसे काम करती है और हाइड्रोजन बम कैसे काम करती है, और सूर्य के अंदर क्या होता है जिस प्रकार वर्क करता है और पूरी दुनिया को रोशनी देती है, और सूर्य न रहे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे धूप की मात्रा से यहाँ पे पृथ्वी का परिवर्तन, पृथ्वी का संतुलन सही रहता है, और जिस कारण से यहाँ पे पेड़ पौधा जीव जंतु इसी हिसाब से पोषक तत्व मिलता है। पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये जो है सूर्य के प्रभाव। यदि सूर्य न रहे तो ठंड बढ़ जाएगा, ठंड के कारण धीरे धीरे जीव लुप्त हो जाएगा और धरती से जितनी सारे जीव है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका संतुलन में रखता है जिस कारण से टेम्परेचर रहता है। यदि सूर्य नहीं रहे तो यह पृथ्वी पे बर्फ ही बर्फ फैल जाएगा और उसके बाद पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और हाइड्रोजन बम इसी के क्रिया पे काम करती है, और स्टार जो होता है तारा उसके अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम वर्क करते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की तरह इसमें वर्क करते हैं। तारा भी एक सूर्य से बहुत बड़ा है, जो तारा देखने में बहुत छोटा लगता है। सूर्य जो है एक छोटा गेंद है और तारा जो है बहुत बड़ा वॉलीबॉल है। अभी जो है जो कि सूर्य जो है नीचे की ओर है, जो सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग जो है 15 लाख किलोमीटर है। न्यूक्लियर फिशन के रिएक्शन इसलिए संलयन अभिक्रिया, दो हल्के हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करती है जिसे हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है। ये नाभिक है, इसमें संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करती है। इसी प्रकार से इसमें मान के प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। इसी प्रकार से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, एक छोटे 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 टुकड़े मिलाकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद आता है तारा, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारा में जो है एक गैसीय होता है जो हाइड्रोजन और हीलियम का एक रूपांतरण होता है, उसमें ऑटोमेटिक उसे एक दूसरी जगह से रहने के कारण ऑटोमेटिक वह आग के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यही हाइड्रोजन और हीलियम का गैस होता है जिस कारण से वह जलते रहता है। यह सूर्य से कई गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है सूर्य से, आप सोच सकते हैं। तारा की जो दूरी है पृथ्वी से, जो तारों की दूरी है पृथ्वी से, तारों की दूरी इतना किलोमीटर है, आप सोच सकते हैं इतना किलोमीटर है तारों की दूरी। और तारा जो है, तारा को ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। स्टार जो है उसमें मेन उसका जो है ऊर्जा जो मिलता है उसे नाभिकीय संलयन से मिलता है। तारा हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा उसमें 70 से लेके 90% होता है। तारों में जो हाइड्रोजन की मात्रा होता है 70 से लेके 90%, और हीलियम की मात्रा होता है 10 से लेकर 30% तक होती है तारों में। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम से होता है। सूर्य के अंदर जो है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम से होता है, दोनों का रूपांतरण से एक गैस के रूप में परिवर्तन होता है, और गैस एक विशाल रूप में आग की तरह दिखाई पड़ता है। उसमें जो है H1 2+ H1 2+, उसके बाद हीलियम 2+4+ ऊर्जा, इसके रूपांतरण से सूर्य जो है एक विशाल रूप में दिखाई देता है, जो पृथ्वी के जितने भी ग्रह है पूरे वर्ल्ड, जैसे पृथ्वी मंगल, इस पे सब पे रोशनी आता है। सबसे ज्यादा सूर्य के पर सबसे ज्यादा रोशनी आती है, जिस कारण से पूरी धरती पर एक धूप आती है जिसके गर्म वहां पे आग जो लगता है सूर्य हाइड्रोजन का हीलियम का रूपांतरण से, उसमें आग की तरह गैस रहता है, आग की तरह फैला रहता है, जिससे सिलेंडर में LPG गैस रहता है उसको बाहर निकलने पर उस पे आग लगाने से एक आग की तरह गोला दिखाई देता है। उसी प्रकार जो है सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का रूपांतरण होता है एक आग की तरह होता है, जो कि धरती पर उसकी सबसे ज्यादा इतना दूरी रहते हुए पृथ्वी लगभग जो है 14.95 लाख, लगभग 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। यदि नजदीक आ जाए 1 लाख किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर, तो सूर्य पे धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं जीव से लेकर जंतु भी सब जल के नष्ट हो जाएगा, और पृथ्वी भी
खत्म हो जाएगी, इस जिससे वह 15 लाख किलोमीटर दूरी रहने के कारण पृथ्वी पर कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है और जिससे संतुलन बना रहता है और जितनी धूप की मात्रा होती है उसी उतना मात्रा में धूप मिलता है। यदि जून जुलाई के समय यदि धूप की सूर्य के नजदीक आ जाता है थोड़ा सा, उसके कारण जो इतना गर्मी पड़ता है कि आपको पसीना पसीना शरीर को कर देता है। यदि उससे कई गुना नीचे आ जाए तब क्या होगा पृथ्वी का। इसी प्रकार जो है सूर्य के अंदर जो है एक गोला है आग की, सूर्य जो है एक गोल है जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम का गैस है। उसके बाद आता है सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा का विशाल मात्रा में प्राप्त होती है। नोट, हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है, बम परमाणु बम से भी, एटम बम से भी बड़ी हार्ड होता है हाइड्रोजन बम। जरा सा भी ठीक होने पर यह फटता है तो कई गुना एटम बम से विस्फोटक करता है ये हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर की जाती है। यह नियंत्रित नहीं होता है, यह एक से एक गुच्छा से एक दूसरा दूसरा तीसरा चौथा, जैसे मान के चला जाए ये हुआ फिर इससे निकला फिर इससे निकला फिर ये हुआ ये हुआ फिर इससे निकला फिर इससे निकला फिर इससे निकला फिर इससे निकला फिर यहां से आया फिर इसका, इसमें जितना होगा बड़ा ये अनियंत्रित है। इसमें जो हाइड्रोजन एकदम रूपांतरण बनते जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर की जाती है, अनियंत्रित होता है। बेठे के अनुसार सूर्य के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का चक्र चलता है। बेठे के जो है अनुसार जो है सूर्य के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का चक्र चलता है। नोट, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की खोजकर्ता मार्क ओलिफेंट है जो 1932 में खोज किया गया था। ओलिफेंट ने 1932 ईस्वी में इसका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का खोज किया, जो वह दुनिया में उस समय सबसे पहले खोज किया गया और अभी तक धरती पर इस न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन का कोई आधार कोई तत्व का खोज नहीं किया गया है। जो आइंस्टाइन साहब ने E=mc² का जो खोज किया गया, E=mc² का जो खोज किया गया उस समय से भी दुनिया में पूरी जो है इसके तत्व पर बड़े बड़े मशीनों का निर्माण किया गया, बड़े बड़े इंजनों का निर्माण किया गया और इसी के कारण इसी पे जो है पूरे न्यूक्लियर फिशन पे इसमें बम परमाणु बम और न्यूक्लियर के बारे में इतनी सारी जानकारी इसे न्यूक्लियर फिशन से रिएक्शन से मिलता है। और पृथ्वी तारा की दूरी, पृथ्वी और तारों की दूरी लगभग जो है इतना किलोमीटर है, आप सोच सकते हैं कितना खरब किलोमीटर है, आप इसको जोड़िए। उसके बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 लाख किलोमीटर दूरी है और चंद्रमा